नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिला और 1 बच्चा है, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के GTBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चलें कि लोनी की मुस्तफाबाद कॉलोनी में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर में मौजूद 2 महिला व 1 बच्चा घायल हो गए। धमाका इतनी जोर का था जिससे आसपास के 3 घर भी चपेट में आ गए। घायलों को दिल्ली के GTBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 1 महिला की मौत हो गई, वहीं 1 महिला और बच्चे का इलाज जारी है। मोहम्मद अशफाक, स्थानीय सभासद, कंचन पार्क, वार्ड नंबर 54। ये सिलेंडर की जो सूचना है, कैसे आग लगी? सूचना का, हम तो अपने घर में बैठे थे, एकदम से बहुत तेज आवाज आई धड़ाम जैसे। घर से निकल के भगे, घर में जो सिलेंडर फट गया, इसके घर में पहुंचे तो पूरे उसकी घर की व्यवस्था खराब हो चुकी थी, और उसमें ये देखते देखते भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने अपने घर से हेलमेट मंगाया, हम अंदर घुसे, अली भाई आए, फिर 2 और मेरे पीछे 2 लड़के और गए, हम 4 लड़के उसमें घुस के बेड पर से उस पर सारा मलबा हटाया। उसके बाद उसमें से ईंट पत्थर जितने थे सिल्ली हटा के उसको हमने लिगाड़ा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे जो है सीवन हॉस्पिटल में, हमारे कस्बा चौकी इंचार्ज सीवन हॉस्पिटल में लेकर गए। कितने मेम्बर थे घर में? घर में तो 4 मेम्बर थे, लेकिन और की ज़्यादा का नहीं, इसकी ज़्यादा हालत ख़राब है। और के हल्की फुल्की चोट है, छोटा बच्चा है, वो थोड़ा मामूली रूप से घायल है। जिसकी तबीयत खराब है उनका क्या नाम है? उसकी घर वाले क्या नाम है? आयशा की ज़्यादा हालत खराब है। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया के साथ।